वंदना गुप्ता के द्वारा वहां पर बच्चियों के साथ क्या करवाया जाता था, एक बार खुल के बताओ। देखिए, खुल के ये बताना है कि वहां पे रात को लड़के आते थे, इस बात पुष्टि भी हो गई थी। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मामला था। वंदना गुप्ता जी पे जो आरोप लगे थे कि पैसे लेके बॉयफ्रेंड को मिलवाती थी, वहाँ जो लड़कियाँ थी सबके हाथ में, गुड़िया ने हमें बताया था कि आप हाथ जाके देखिए सबके हाथ में कट्स बने, क्यों आखिर वो लड़की, सब लोग जानता है ना कि नस काटने से मर जाएंगे, क्यों ऐसा काम कर रही है। जब तक ऊपर के आला अधिकारियों की नजर नहीं होती है ये सब मामला, हिम्मत नहीं है कोई महिला नीचे बैठ के इतना बड़ा कार्य कर ले। तो आज फिर एक महिला सूली चढ़ी, खेल तो पुरुषों ने ही खेला होगा ना। ये जो अरेस्टिंग है ये भी कम है, कई लड़कियों का उन्होंने जान लिया है, कई लड़कियों को, एक देखिए आप एक ऐसी माँ थी, इतना बड़ा आपको आशीर्वाद मिला था कि एक आप उससे पूछिए जिसका कोक सूना रहता है, आप तो ऐसी माँ थी कि आपके गोद में 300 बच्चियाँ थी। तो जो लड़की थी, गुड़िया थी, वो पुलिस के हाथों में नहीं जाना चाहती थी और इसी विश्वास के साथ उसने पर्सनली मेरे से किनारे होके बोला, खुद बोला कि मैं एक बात बताती हूँ, प्लीज़ उसके लिए ना आप मुझे यहाँ से लेके चले जाइएगा। तो वो थाने में नहीं जाने के लिए वो अपना एक रहस्य खोलती है। करीब 6 महीने पहले पटना के गाय घाट के शेल्टर होम से एक शर्मनाक कर देने वाला मामला सामने आया था। उस मामले में क्या कुछ, कितनी सच्चाई थी, उसी पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुणिमा जी और महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक वीना मानवी जी। स्वागत है आप दोनों लोग का सस्तक न्यूज़ में। थैंक यू। जिस मामले को लेकर के हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले उस मामले का जिक्र करिए। गायघाट रिमांड होम का मामला था और हमारे पास हमारी अधिवक्ता जो इस केस को देख रही थी, मीनू कुछ अलग केस के मामले में इस केस को लेके आई थी, उस बच्ची को, गुड़िया जिसका नाम था, लेकिन उस बच्ची के काउंसलिंग के दरमियान हमें पता चला ये गायघाट से निकली हुई बच्ची है और वो कुछ इस तरह की बातें बोली काउंसलिंग के दरमियान, पूरी टीम थी हमारी, कि हमें थोड़ा सा डाउट हुआ। डाउट होते के साथ हमने पुलिस गांधी मैदान थाना को फ़ोन किया। गांधी मैदान थाना आती है, बच्ची को थाना में लेके जाती है, वहीं थाने में ही एक वीडियो हमारी अरुणिमा जी द्वारा उस बच्ची का बनाया जाता है, जो कि उस वीडियो को हम कौन थे उस वक्त, हाँ जो भी हमारे डिल्लो जी ही थे, हाँ डिल्लो जी को व्हाट्सएप किया जाता है उस वीडियो को। उसके बाद ये मामला तूल पकड़ता है। तूल पकड़ने के बाद फिर एक और पीड़िता आती है पहले, और जैसे ही ये मामला मीडिया में आता है, वेरी नेक्स्ट डे स्वतः संज्ञान हाईकोर्ट इस मामले को ले लेती है। देखिए, मामला ये था कि उस शेल्टर होम में जो बच्चियां रहती थी वहां पर जो वार्डन थी वंदना गुप्ता, सही कह रही हूँ नाम? हाँ, वंदना गुप्ता। वंदना गुप्ता ने एक ऐसा काम किया जो वार्डन के नाम पर कलंक है, और अगर वार्डन में बच्चियां हैं उनकी देखरेख में जो भी है वो किसी माँ से कम नहीं है। मैम, उस वक्त आपने वीडियो बनाया तो क्या कुछ वहां पर दिख रहा था? देखिए, कहीं ना कहीं वो जो लड़की थी, गुड़िया थी, वो पुलिस के हाथों में नहीं जाना चाहती थी और इसी विश्वास के साथ उसने पर्सनली मेरे से किनारे होके बोला, खुद बोला कि मैं एक बात बताती हूँ, प्लीज़ उसके लिए ना आप मुझे यहाँ से लेके चले जाइएगा। तो वो थाने में नहीं जाने के लिए वो अपना एक रहस्य खोलती है और ये रहस्य आज इतना बड़ा फैलता हुआ आपने जो देखा है वाकया बन जाता है, और इस यही वाकया से कई लोग जागरूक हो जाते हैं। और चूंकि उसके साथ हमारी मीनू गुप्ता, हमारी पूरी टीम की आंखें ऐसे ही खुली की खुली रह गई, ये क्या है? उस गुड़िया ने क्या बताया आप लोग? उसने बताया कि मैं एक्चुअली हम लोग चूंकि थाने में ले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो लोग लड़की जिसका कोई नहीं होता रिमांड होम में पहुंचते हैं। तो जैसे ही रिमांड होम का नाम आया उसने इमिडिएटली बताया कि हमको दोबारा मत भेजिए, मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, जिसपे कि सब लोगों में रिएक्शन भी होने लगा कि अरे जाने दो, कौन रखेगा। लेकिन हम लोगों ने जब अकेले बात किया महिला विकास मंच ने कि नहीं, इतना बड़ा मामला, कई लड़के, 300 लड़कियों का मामला है, कोई एक, देखिए महिला विकास मंच एक समाज के लिए करती है, वो व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करती, वो एक लड़की होती तो हम रख लेते, लेकिन हमें पता था कि एक पूरा बंच, पूरा ग्रुप, वो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है।
क्यों ना हम लोग पूरे ग्रुप के लिए काम करें। तो इस पे सब इकट्ठे हो गए, वो चाहे मीनू गुप्ता हो या हम लोग सारे लोग मिलके एक प्लान किए कि नहीं इसका हम लोग पर्दाफाश करेंगे, गलत हो रहा है और जो सच्चाई होगी वो सामने आएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं आप जैसे मीडिया कर्मी लोग बहुत हेल्प किए, बहुत ज़्यादा बातों को फैलाए और ये जो बातें फैल रही थी मीडिया में, जो बातें आ रही थी सीधा निगाह न्यायमूर्ति की पड़ी और ये न्यायालय द्वारा खुद ही स्वतः संज्ञान लिया गया और उसके बाद इसके कारण सरकार में बहुत ज़्यादा हलचल मची और उसके बाद आप जो आपके सामने है SIT का गठन हुआ और इतने दिन से चलते चलते देर हुआ, अंधेर नहीं, आज सबके सामने है। महिला विकास मंच का मकसद कुरीतियों को हटाना, चाहे जो हो जाए, जितनी बदनामी सहनी हो हम सह लेंगे, न्याय दिला के रहेंगे। तो जितना इस बीच में चुकी वीना जी का पेज बहुत फेमस है, इतने फॉलोवर्स हैं, तो गालियां भी उसी बल्क में पड़ते हैं। वीना जी से एक सवाल करूंगी कि वो जब बच्ची आप लोगों के पास आई तो भाग करके आई थी या फिर कैसे आई? नहीं नहीं, वो मीनू ही लेके आई थी, क्योंकि वो जब रिमांड होम से लड़कियां 18 साल बाद निकलती हैं, जिनका एज 18 हो जाता है, ये नियम है, तो वो कहीं ना कहीं काम करती हैं, अपना रोजगार करती हैं और फिर उसी दरमियान मीनू से उनकी मुलाकात हुई थी। तो वंदना गुप्ता के द्वारा वहाँ पर बच्चियों के साथ क्या करवाया जाता था, एक बार खुल के बताइए। देखिए, खुल के ये बताना है कि वहाँ पे रात को लड़के आते थे, इस बात पुष्टि भी हो गई थी। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मामला था, वंदना गुप्ता जी पे जो आरोप लगे थे कि पैसे लेके बॉयफ्रेंड को मिलवाती थीं, या फिर लड़कियां स्वतः अपनी मर्जी से जाएं या फिर जबरन जाएं, तो अभी जो पुष्टि हुई है वो पुष्टि यही पाई गई है, भ्रष्टाचार का मामला आया है कि पैसा लेके लोगों को मिलवाना। एक बात और सामने आ रही थी कि नशीला इंजेक्शन देकर के नशीला इंजेक्शन में बीच में मीडिया में ये भी बात आई, जिसे हमने मान भी लिया कि जो लड़कियां एबनॉर्मल्स होती हैं, जो थोड़ा पागल टाइप की लड़कियां होती हैं, जो दिमागी रूप से कमज़ोर होती हैं, रात भर चिल्लाती हैं, सो नहीं पाती हैं, तो उनको नर्सेस सोने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है, वो सही है और ये कहीं ना कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट में आता है, लेकिन उसी दरमियान उस इंजेक्शन का गलत उपयोग भी कहीं हो रहा था, ये नहीं आ रहा था। इस पूरे मामले की पुष्टि उसी मुखबधिर बच्ची ने किया। किस तरीके से? थोड़ा दिमाग, जिसके पास थोड़ा सा दिमाग होगा, सारी बच्चियाँ पूरी तरह से तो एबनॉर्मल नहीं होती ना, कुछ शारीरिक होती हैं, कुछ बोल नहीं सकती, कुछ सुन नहीं सकती, हर तरह के लोग होते हैं। तो चूंकि SIT टीम इन चीज़ों को, अब मुखबधिर के तो अलग ट्रांसलेटर होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बोलने वाली दो बच्चियां थीं, एक हमारी पल्लवी और दूसरी गुड़िया, पल्लवी ने इस बात की पुष्टि की मुजफ्फरपुर भेजा गया, यहाँ भेजा गया, वो चलो उसको दो मिनट हम भी वेग में मान लिए थे, फेक में मान लिए थे, लेकिन गुड़िया की पुष्टि पे बार बार सवाल आ रहा था, क्योंकि वो एकदम रिजिड थी कि नहीं भाई ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों को न्याय, अंत में फिर न्यायिक मामला है कि वो दो मुखबधिर बच्ची जिन्होंने ट्रांसलेटर को अपनी बात समझाई, जो कि हम आम जनता या SIT की आम पुलिस ऑफिसर्स नहीं समझ पाती, वो ट्रांसलेटर को समझाई उस बात को, और जो बोलने वाले बच्चे का मुंह बंद किया जा रहा था वो दो मुखबधिर बच्ची के बातों को उजागर हुई और न्यायालय ने उन्हीं दो बच्चियों के निर्णयों को सत्यापित करते हुए, वही कहते हैं जब सच्चाई है परेशान हो सकती, परास्त नहीं हो सकती, तो कहीं ना कहीं एक बेजुबान बच्ची ने इस बात को एकदम, देखिए मैं बोल रही हूँ और मेरा रोंगटा पूरा खड़ा हो रहा है कि एक बेजुबान बच्ची, जुबान वाली ने तो आवाज़ उठाया लेकिन बेजुबान ने उसको जीत दिला दी। वंदना जैसी महिलाओं के लिए जैसी क्या बोलेंगे, ये भी कम है, ये जो अरेस्टिंग है ये भी कम है। कई लड़कियों का उन्होंने जान लिया है, कई लड़कियों को, एक देखिए आप एक ऐसी माँ थी, इतना बड़ा आपको आशीर्वाद मिला था कि एक आप उससे पूछिए जिसका कोक सूना रहता है, आप तो ऐसी माँ थी कि आपके गोद में 300 बच्चियाँ थीं और उन बच्चियों के भरण पोषण के लिए आपको सरकार पैसा दे रही थी, तो आपको तो आशीर्वाद मिला हुआ था, उस आशीर्वाद को आपने किस तरह से अभिशाप बना दिया, उन बच्चियों के लिए अभिशाप बनाया, उनको किस किस तरह की यातनाएँ दिए और उस यातना के बदले उनको नरक में भी भेजती थी और ये खुशहाल होती थी। तो ऐसी माताएँ जो, मतलब जिनको माता कहना भी हमारे लिए गलत होगा, माता एक शुद्ध और एक क्या बोलें, जिनके लिए हमारे अंदर एक अच्छी भावना होती है, वो शब्द है, तो इसको घृणित ना करें और बेटर होगा ऐसी लेडीज़ को। ये छोटी सज़ा है, इससे बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है
वहाँ जो लड़कियाँ थी सबके हाथ में, गुड़िया ने हमें बताया था कि आप हाथ जाके देखिए सबके हाथ में कट्स बने, क्यों? आखिर वो लड़की, सब लोग जानते हैं ना कि नस काटने से मर जाएंगे, क्यों ऐसा काम कर रही है? नशा आप करवाते हैं क्यों लड़की? हमने देखा है गुड़िया को, गुड़िया बिलखती थी वो उसके लिए, क्या गुल के लिए, कुछ नहीं तो मुझे गुल चाहिए, खरीद के हम लोग लाके देते थे, क्योंकि जिम्मेदार किसको मानते वो सिस्टम। अभी देखिए ये हमारा एक पहलू हुआ, अगर हम इसको दूसरे पहलू से देखें कि न्यायालय ने न्यायिक पूर्वक जांच की और दोषी पाई गई, लेकिन कभी कभी अफसोस होता है वंदना गुप्ता के ऊपर कि तुम क्या कर बैठी बहना मेरी, कि तुमको तो लोग मोहरा बना ही दिया। अकेली वो तो दोषी नहीं थी इस मामले में, जब तक ऊपर के आला अधिकारियों की नज़र नहीं होती है ये सब मामला, हिम्मत नहीं है कोई महिला नीचे बैठ के इतना बड़ा कार्य कर ले। तो आज फिर एक महिला सूली चढ़ी, खेल तो पुरुषों ने ही खेला होगा ना। आखिरी सवाल आप दोनों लोग से, अरुणिमा जी और वीना जी, करूंगी कि वंदना जैसी महिला तो अब गिरफ्तार हो गई, जो उसने किया था उसकी सजा अब मिलेगी और मिल भी रही है गिरफ्तार होने के बाद। हमारे चैनल के माध्यम से ऐसी और महिलाओं के लिए आप दोनों लोग एक साथ बताइए क्या बोलेंगे? सच्चाई पे रहो और अच्छे कार्य करते रहो, सच का सामना, अगर आप कुरूतियों और बुराई की तरफ जाएंगे तो सच का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सच तक आप सस्तक है ना, सस्तक हमेशा आगे रहेगी, तो बच के रहिएगा वरना सच का सामना 100% आपको करना पड़ेगा। देखिए सच का सामना जब होता है तो लोगों के लिए थोड़ी परेशानी तो आती है, लेकिन वीना जी ने कहा कि सच परास्त कभी नहीं होता, तो वंदना जैसी महिला जिस तरीके से बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक शर्मिंदगी महसूस करने वाला था, क्योंकि एक महिला, अगर महिला के अंदर 300 बच्चियों की ज़िंदगी संवारने का जिम्मेदारी अगर मिल रहा है, उस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभाती तो एक अच्छी वार्डन कहलाती, लेकिन जिस तरीके से उसने बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद की वो काफ़ी ज़्यादा शर्मसार कर देने वाला है। और अब महिला जो थी वंदना गुप्ता वो गिरफ्तार हो चुकी है, तो वंदना जिस तरीके से ऐसा काम वंदना ने किया उसके काम को लेकर के आप तो राय अपनी सही रखेंगे नहीं, हमें पता है, क्योंकि बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद की उसने। और भी लोग अगर ऐसा करना चाहते हैं तो बिल्कुल डर जाइए, क्योंकि महिला विकास मंच की टीम पीछा नहीं छोड़ेगी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा, ऐसी छोटी बड़ी अपडेट आप तक देते रहेंगे।